हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आप लोगों के साथ आज जन्माष्टमी स्पेशल मालपुआ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कल जैसे जन्माष्टमी है तो आप लोग ट्राई कर सकते हो ये रेसिपी और भगवान को चढ़ा सकते हो। बहुत तरीके से बनता है, कोई कोई चाशनी में डुबो को भी बनाता है, लेकिन मैं सूखा बनाने वाली हूँ। तो मालपुआ के लिए मैंने इधर लिया है 1 कटोरी मैदा, 1/2 कटोरी सूजी। इधर लिया है मैंने मिल्क पाउडर, 2 मिल्क पाउडर का पैकेट लिया है मैंने इधर, और 1/2 कटोरी शक्कर लिया है। और इधर लिया है थोड़ा सा किशमिश, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इधर थोड़ा सा नारियल लिया है मैंने चॉप करके। और इधर लिया है मैंने थोड़ा सा सौंफ को, इसको मैंने कूट लिया है। और इधर एक इलायची है, इसको भी मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। तो मैंने इधर एक बोल ले लिया है, इसमें ये मैदा डाल दूंगी पहले। इसमें अभी ये जो रवा लिया था सूजी मैंने, उसको भी ऐड कर दिया है। अभी इसमें डालूंगी मैं शक्कर, ये मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी इसमें। अभी इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। अभी इसको मैं पहले सब मिला दूंगी एक साथ। इसमें मैं ये किशमिश डाल दूंगी, ये नारियल भी डाल दूंगी इसके ऊपर। डाल दूंगी ये सौंफ और डाल दूंगी ये इलायची। अभी इसमें मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक बैटर बना लूंगी। ये बैटर एकदम पतला नहीं होगा और एकदम भी गाढ़ा नहीं होगा, धीरे धीरे दूध मिलाना है इसमें। तो ये बैटर ऐसा बना है, मैं इसको अभी आधा घंटे के लिए साइड में छोड़ दूंगी, फिर आधा घंटे के बाद इसका मालपुआ बनाऊंगी। तो आधा घंटे के बाद ये बैटर देखिए कितना फूल गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे और थोड़ा सा मैं दूध डाल के पतला कर लूंगी। तो और थोड़ा सा दूध मिला के मैं ये बैटर को खोल लिया है अच्छे से। तो अब ये इसका कंसिस्टेंसी ऐसा है। इधर मैंने कढ़ाई पे ऑयल दे दिया है गरम होने के लिए। मैंने ऐसा एक राउंड शेप का स्पून ले लिया है, तो इससे आसानी होगा ऑयल में देने के लिए। तो रेडी हो गया है मेरा जन्माष्टमी स्पेशल मालपुआ। कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।